नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट खबरों पर। बलिया में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता महेश के घर पर दबंग ठेकेदार ने तोड़फोड़ की। दरअसल ठेकेदार सहायक अभियंता पर पैसे का गलत भुगतान और वसूली का दबाव बना रहे थे। पैसे न देने पर अभियंता की गाड़ी के शीशे तोड़ और साथ ही घर के गेट और सर्च लाइट भी तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। छानबीन की जा रही है। बदायूं में चाकुओं से गोदकर महंत की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव के लोगों का कहना है कि नशे की हालत में गांव के एक व्यक्ति ने महंत की हत्या की। कानपुर के गोविंद नगर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया। इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलते ही विधायक संज्ञान लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। बरेली में आईजी राजेश कुमार पांडे और एसएसपी रोहित सिंह को कोविड-19 का सीरम वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि ये टीका सभी को लगवाना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार और साथ ही आपका शहर सुरक्षित रहे। कौशाम्बी के सराय आकिल थाना इलाके में दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग की हत्या उसी की बहू ने की थी। साथ ही पुलिस ने कहा कि आरोपी बहू तंत्र मंत्र क्रिया में संलिप्त रहती थी, जिस कारण से उसने इस हत्या को अंजाम दिया। कौशाम्बी में 30 जनवरी को हुई लूट कांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इसके साथ ही मास्टरमाइंड सहित दो अन्य साथियों के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट की रकम भी बरामद की गई। हाथरस में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई भीषण सड़क हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची दादरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रेस्क्यू किया। अलीगढ़ में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए केंद्र मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये पुराना और अच्छा आयोजन है। इसमें नवीन भारत की और साथ ही अलीगढ़ जनपद की नवीन छवि दिखाई देगी, साथ ही गंगा जमुना की एक मिसाल भी है। पीलीभीत में ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, जहाँ बरसात के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिसमें फसलों को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही तापमान में भी गिरावट देखी गई। दिल्ली में एक महिला ने अपनी सास के परिचित दरोगा पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दरोगा और उसकी सास साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। फिलहाल उस मामले में पीड़ित के कहने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। प्रतापपुर में पुलिस ने चर्चित हत्याकांड आकाश पाल के हत्यारोपियों को घर की कुर्की करके दरवाजे उखाड़े। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि आकाश पाल की हत्यारोपी फरार चल रहे हैं। पीलीभीत में किसानों को अपनी फसल गोभी का वाजिब दाम नहीं मिल रहा, जिससे परेशान होकर वो सड़कों पर अपनी सब्जियां फेंक रहे हैं। पीलीभीत के जनहानाबाद कस्बे में साप्ताहिक बाजार में 1 से 5 रुपए किलो गोभी का दाम है, इसके बावजूद भी गोभी नहीं बिक पा रही है और किसानों को लागत नहीं मिल पा रही है। प्रतापगढ़ में दिल्ली से आए नामी कंपनी के अफसरों ने आधा दर्जन कपड़ों की दुकान पर छापेमारी की है। 3 दुकानों से 54 नकली जीन्स के पैंट बरामद किए हैं। वहीं 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कोरोना महामारी के कारण यूपी में कई महीनों से बंद चल रहे स्कूल आखिरकार खुल गए हैं। प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। वहीं 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। शामली के भैंसवाला महापंचायत रखी गई थी, जिसका आयोजन आरएलडी के नेताओं ने किया था। महापंचायत को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके आरएलडी के नेताओं ने किसानों के नाम पर महापंचायत की। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि इस बार बजट कितना बड़ा होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। विधायकों को टैबलेट खरीदने के लिए कहा गया है। 50,000 तक की धनराशि का टैबलेट खरीदा जा सकता है। हमीरपुर में रिश्तों का कत्ल हुआ है। थाना क्षेत्र के खैरी गांव में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग की हत्या का आरोप उसके नाती पर लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।